हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रोटी के पकोड़े बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो जब कभी भी बहुत सारी रोटियां बच जाए तो उनका आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं पकोड़े बनाकर। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, 1 कटोरी बेसन, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच टोमेटो सॉस और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले बेसन का बैटर बनाना है। तो 1 कटोरी बेसन को अच्छे से हम छानेंगे। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिलाएंगे। फिर ऐड करेंगे पानी और अच्छे से फेंटते हुए इसका हम बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमें इसका नहीं बनाना है। बेसन का बैटर तैयार है, इसे हम ढक के रख देंगे। उतनी देर में हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 4 हमने उबले हुए आलू लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर का पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस और फिर सारी चीज़ों को एक साथ करके अच्छे से मिला देंगे। और इस तरह से आलू की स्टफिंग बनाकर हम तैयार करके साइड में रख देंगे। अब बेसन का जो बैटर हमने बनाया था उसे खोलेंगे, फिर से एक बार अच्छे से मिलाएंगे। आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे इनो या फिर आप बेकिंग सोडा ऐड कर दें 1/4 चम्मच, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से फेंटते हुए इसे हमें मिला देना है। तो आप देखेंगे इनो डालने के बाद ये जो बेसन का बैटर है फूल चुका है, पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बस इस बैटर को अब हम साइड में रख देंगे और आप एक रोटी या पराठा जो भी लेना चाहें ले लें। उस पर जो हमने आलू का मसाला बनाया था अच्छे से रख कर फैला देंगे। तो इस मसाले को आप हाथ से फैला दें जिससे कि सभी तरफ अच्छे से फैल जाएगा। फिर ऊपर से इस तरह फोल्ड करते हुए हमें इस तरह रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो ठीक इसी तरह एक और बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो हमने ये रोटी का रोल बनाया है स्टफिंग रख के, अब हम इसे इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे। बड़े या छोटे जैसे आपको रोटी के पीसेस करने हो आप कर लें। तो इस तरह से हमने कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। बेसन के बैटर को एक बार अच्छे से फिर से मिला देंगे। अब जो हमने ये स्लाइस कट किए हैं इन्हें हम बेसन के बैटर में अच्छे से डिप कर देंगे और सावधानी के साथ तेल में डालेंगे। और तेल में डालने के बाद गैस का जो फ्लेम है लो कर देंगे, धीमी धीमी आंच पर इन्हें फ्राई होने देंगे। और जब ये नीचे से फ्राई हो जाए इन्हें हम पलट देंगे और दोनों ही साइड से रोटी के पकौड़ों को हम सेकेंगे। तो यहाँ पर आप पकौड़ों को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से बने हैं और कलर भी इनका बहुत ही अच्छे से आ चुका है। प्लेट पे निकाल देंगे। जो और स्लाइस बचे हैं रोटी के उन्हें भी हम इसी तरह बेसन के घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी फूले फूले से पकौड़े बने हैं। आप चाहें तो इन्हें 2 पीसेस में भी इस तरह कट कर सकते हैं, चटनी या सॉस के साथ रख के इसे सर्व करें। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।